अरे यार, मैं तो स्कूल के लिए लेट हो गया। अब मेरे टीचर मिस्टर एम हैमल मुझे बहुत डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि कल मैं तुम लोगों से पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन पूछूंगा, और मुझे तो पार्टिसिपल्स का पी भी नहीं आता है। क्यों ना मैं स्कूल ही बंक कर दूं। वैसे भी आज का मौसम कितना अच्छा है, पेड़ों पर पक्षियां बैठकर गा रहे हैं और यहां मैदान क्रिश्चियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं। मेरा तो मन कर रहा है मैं दिन भर यहीं पर रह जाऊं, पर फिर भी मुझे स्कूल तो जाना ही होगा। और जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तभी मैंने देखा ये बुलेटिन बोर्ड के पास इतना भीड़ क्यों जमा है। पिछले 2 सालों से सारी बुरी खबरें यहीं से आती है, पता नहीं इस बार क्या बुरा होने वाला है। लेकिन छोड़ो मुझे उससे क्या, मुझे तो अभी स्कूल पहुंचना है। मुझे आते हुए देखकर वहां बैठे एक वॉचर ने कहा, इतनी जल्दी स्कूल क्यों जा रहे हो। तभी मैं समझ गया कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और फिर मैं क्लास की ओर निकल पड़ा। जब मैं स्कूल कैंपस में पहुंचा तब मैंने देखा, अरे आज ये स्कूल इतना शांत क्यों है। वैसे तो बच्चों की आवाजें बाहर सड़क तक सुनाई देती है, लेकिन आज तो यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। ऐसा सोचते सोचते मैं क्लासरूम के गेट तक पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि मैं चुपचाप क्लास के अंदर जाकर अपनी सीट पर बैठ जाऊं, पर तभी मेरे टीचर ने कहा, अंदर आजा फ्रांस, हम लोग तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। जब मैंने टीचर को ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि वह वही फॉर्मल ड्रेस में थे जिसे वह प्राइस डे या इंस्पेक्शन डे के दिन पहनते थे, लेकिन आज तो उसमें से कोई ड्रेस नहीं था। और फिर पीछे देखने पर मुझे पता चला कि जो बैक बेंचेस हमेशा खाली रहते थे आज उन पर विलेजर्स आके बैठे हुए हैं। मैं ये सब देख ही रहा था तभी हमारे टीचर ने कहा, मेरे बच्चों ये लास्ट लेसन है जो आज मैं तुम लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब से लॉरेंज और एल्सिस की क्लासों में अब से सिर्फ जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई होगी और नए टीचर कल से आ जाएंगे। उनके ऐसा कहते ही मैंने सोचा, क्या लास्ट लेसन, पर मुझे तो फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से लिखना भी नहीं आता और आज मेरा आखिरी क्लास है। मैं हमेशा क्लास में कुछ और ही ख्यालों में खोया रहता था या क्लास को बंक कर दिया करता था। मुझे क्या पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी क्लास कर रहा हूँ। ये किताबें जो कभी मुझे दुश्मन की तरह लगती थी आज मुझे मेरे पुराने दोस्त लग रहे हैं जिन्हें मैं खोना नहीं चाहता, और मेरे टीचर जो कभी मुझे बहुत खड़ूस लगते थे वो आज मुझे बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब मुझे समझ में आया कि आज बुलेटिन बोर्ड पर इतना भीड़ क्यों था और आज एम हैमल ये स्पेशल ड्रेस पहनकर क्यों आए हैं, और वो गांव वाले जो मिस्टर एम हैमल के 40 साल के सर्विस को थैंक्स देने के लिए यहां पर आए हैं। मैं ये सब सोच ही रहा था तभी मेरे टीचर ने मेरा नाम लिया। तब मैं समझ गया कि अब पार्टिसिपल्स को जोर जोर से पढ़ने की बारी मेरी है, और जैसा कि मुझे डर था मैं पहले ही वर्ड में अटक गया, और अब मुझे लग रहा था कि मेरे टीचर मुझे पनिश करेंगे। पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूंगा फ्रांस, तुम्हें खुद इसका बुरा लगना चाहिए। देखो फ्रांस, तुम हमेशा सोचते थे कि हमारे पास काफी समय है, हम कल सीख लेंगे, और अब देखो तुम कहां पर आ गए हो, और अब तुम्हारे पास अपनी लैंग्वेज को ही सीखने का समय नहीं है। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सब की गलती है। तुम्हारे पेरेंट्स जो कुछ और पैसों के लिए तुम्हें पढ़ाई की जगह खेतों और मिल्स में काम करने के लिए भेज देते थे, और क्या मैं तुम्हें पढ़ाने की जगह फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेज देता था। और जब कभी मुझे फिशिंग करने का मन करता था तब मैं तुम लोगों को छुट्टी भी दे दिया करता था। देखो फ्रांस, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट और लॉजिकल लैंग्वेज है। लोगों के लिए उनकी आज़ादी की चाबी उनकी अपनी लैंग्वेज ही होती है। अब मैं तुम लोगों को एक नए लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। और फिर उन्होंने जो जो पढ़ाया मुझे एक एक वर्ड अच्छी तरह से समझ में आ गया। मुझे लग रहा था कि उन्होंने आज से पहले इतना अच्छा कभी नहीं पढ़ाया था। मुझे तो लग रहा था कि वो अपना सारा ज्ञान हमें अभी दे देना चाहते हैं। पार्टिसिपल्स का क्लास खत्म होने के बाद हमारा राइटिंग का क्लास था, जिसके लिए उन्होंने हमें कुछ कॉपियाँ दी जिन पर लिखा था, फ्रांस एल्सिस, फ्रांस एल्सिस। पूरे क्लास में शांति छाई थी, सिर्फ एक ही चीज की आवाज़ आ रही थी, वह थी कॉपियों में लिखने की। सब लोग खामोशी से लिख रहे थे। तभी मुझे छत पर कुछ कबूतरों की आने की आवाज़ सुनाई दी, वह छत पर गुटर गु कर रहे थे। तब मैंने मन ही मन सोचा कि ये जर्मनी वाले क्या कबूतरों से भी जर्मन लैंग्वेज बोलवाएंगे।
जब भी मैं लिखना छोड़कर एम हैमल की ओर देखता था, वो क्लासरूम को देखते रहते थे, मानो कि वह क्लास की एक क्लियर इमेज अपने माइंड में बना लेना चाहते हैं। तभी मुझे बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी और जर्मन सेना की ड्रिल करने की आवाज़ क्लासरूम तक सुनाई दे रही थी। एम हैमल कुछ बोलना चाह रहे थे पर उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली। फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस चैनल पर बाकी भी चैप्टर्स की वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।